हमारे टॉप इंडिया टेन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और लेटेस्ट न्यूज़ देखिए सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूँ इरम खान, आप देख रहे हैं टॉप मीडिया 18। आइए चलते हैं आज की मेरठ की खास खबरों पर नजर। मैं टॉप मीडिया 18 ब्यूरो मेरठ भवेंद्र कुमार, मिशन क्राइम फ्री फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करते हुए, मिशन क्राइम फाउंडेशन संस्था शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर और मेडिकल क्षेत्र में कार्य कर रही है। आइए बात करते हैं मिशन क्राइम फ्री फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध गुप्ता से। सुबोध कुमार गुप्ता, आप किस संस्था के लिए कार्य करते हैं और क्या आपकी संस्था का नाम है? हमारी संस्था का नाम मिशन क्राइम फ्री फाउंडेशन है जी। आपकी संस्था किस किस क्षेत्र में कार्य करती है? जी, हमारी जो क्षेत्र में बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और क्राइम के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य है जी हम लोगों का। शिक्षा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, मेडिकल के शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में जो जी हम लोगों का काम, सबसे मेन काम यह है कि जैसे कि हर साल जो है बच्चों की ड्रेस बदल दी जाती है और उनकी किताबें बदल दी जाती हैं, उनके ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं जी, उनकी जो है बच्चों की नहीं तो ड्रेस बदली जानी चाहिए और नई किताबें बदली जानी चाहिए, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ हमने उठा भी दी हैं और कार्य कर रहे हैं। आपकी संस्था को कितना समय हुआ है? हमारी संस्था को 6 महीने हो गए हैं। और आपकी संस्था अभी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है? हमारी संस्था तो राष्ट्रीय स्तर पर है जी, 12 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं और जो है फिलहाल में जो हमारा जब सबसे ज़्यादा काम जो चला है लखनऊ के अंदर, हम ज़्यादा काम चल रहा है हमारा यूपी के अंदर जो जिला मेरठ में काम देख रहे हैं और यहाँ पे जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम सब जो है पदाधिकारियों का हमारा सहयोग मिल रहा है, जिधर भी हम हमारे क्षेत्र के जो है पदाधिकारी कहते हैं उधर काम कर रहे हैं। आपके पदाधिकारी आपने नियुक्त किए हैं पदाधिकारी मिशन क्राइम फ्री फाउंडेशन संस्था के लिए, उनका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, इसके बारे में आपने कोई वेरिफिकेशन जारी किया है या नहीं? हाँ देखिए जी, जो भी हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी सत्य हैं इस टाइम तक तो, और उनके जो है हमने सबकी कार्रवाई करने के बाद ही उन लोगों को पदाधिकारी बनाया।